हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे थर्मल लेबल प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है, आप इससे आपके जो भी शिपिंग लेबल्स है, आपके रिटेल स्टोर है, इसके लिए बारकोड स्टिकर प्रिंट करना है, या फिर आपका गारमेंट स्टोर है, या फिर आपके अलग अलग बिजनेसेस है, उस बिजनेसेस के लिए आपको बारकोड लेबल्स चाहिए, या फिर कोई भी ऐसे जो स्टिकी लेबल्स होते तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करने होते। मोस्टली आप कुछ ऑनलाइन कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते तो आपका जो भी कुरियर है उसके ऊपर ऐसे जो शिपिंग लेबल्स होते वो आपको पेस्ट करने होते। तो ये जो प्रिंटर है, ये थर्मल लेबल प्रिंटर है, और इसकी खासियत ये है कि ये थर्मल डायरेक्ट प्रिंटर है। इसके लिए ये जो रोल्स यूज होते हैं, ये डायरेक्ट रोल यूज होते हैं। मार्केट में दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं मोस्टली, थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर और थर्मल डायरेक्ट प्रिंटर। जो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर होते हैं उसके लिए आपको ये पेपर रोल लगेगा, एज वेल एज आपको एक रिबिन लगती है जिसमें वो कार्बन होता है, तो वो दोनों आपको एक ही प्रिंटर के अंदर लगाने होते, तो वो थर्मल ट्रांसफर होता है। लेकिन ये जो प्रिंटर है, ये सबसे पोर्टेबल प्रिंटर है, तो इसे वो रिबिन की ज़रूरत नहीं। ये जो पेपर होता है, ये जो थर्मल पेपर, उसके अंदर ही आपको इंक होता है। तो थर्मल डायरेक्ट मतलब थर्मल मतलब हीट, तो ये जो पेपर के अंदर इंक होती है वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो उसे हीट करके वो आपका जो भी टेक्स्ट है, लोगो है, QR कोड है, बार कोड है, वो प्रिंट करता है। तो ये जो सारे पेपर्स है, ये सारे थर्मल डायरेक्ट पेपर है। और अमेज़ॉन पे अगर आपको प्रिंटर लेने के बाद इसके पेपर परचेस करने, तो आप याद रखें कि ये थर्मल डायरेक्ट है। और थर्मल डायरेक्ट प्रिंटर के बहुत सारे एडवांटेजेस है। आपको जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी कम आती है, आपको मिनिमल सेटअप करना पड़ता है, आपको रिबिन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको जस्ट एक पेपर रोल चाहिए, उसके अंदर ही इंक होता है। तो आप अमेज़ॉन से आप थर्मल डायरेक्ट पेपर परचेस करके ये जो थर्मल डायरेक्ट प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर है इसका जो ब्रांड है वो है F2C। लास्ट टाइम मैंने F2C के ऊपर जो रिसिप्ट प्रिंटर होते हैं, जो मोबाइल बैंकिंग के लिए यूज़ होते हैं, या फिर रेस्टोरेंट या छोटे बिल्स होते हैं, जिसका साइज मैक्स टू मैक्स 2 inches होता है इसका। ये जो है ये 80 inches है, इसका जो साइज़ है ये 4x6 है, और ये छोटे लेबल्स है। तो F2C जो कंपनी है वो आपको अलग अलग बिजनेसेस के लिए उनके अप्लायंसेस है, जैसे कि बारकोड स्कैनर, बारकोड प्रिंटर, लेबल प्रिंटर, रिसिप्ट प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर है, थर्मल डायरेक्ट ऑल इन वन प्रिंटर है। अगर आपको रेस्टोरेंट के लिए इनवॉइसेस भी आपको निकालने हैं, तो आप इसमें थर्मल पेपर लगा के इनवॉइसेस भी प्रिंट कर सकते हैं। या शिपिंग बिजनेस है, उसके लिए आपको लेबल्स प्रिंट करने हैं, जैसे ये जो लेबल्स है ये आप इजीली, और ये जो पेपर है ये स्टिकी पेपर होता है, तो ये आप उसे निकाल के आप देख सकते हैं। मेरे पास अभी ये F2C का बॉक्स है। एक्चुअली आप प्रिंटर परचेस करेंगे तो ऐसा बॉक्स आएगा, लेकिन जो भी जिसके शिपिंग के बिजनेसेस है उनको कुछ शिपिंग के ऊपर शिपिंग लेबल लगाना होता है, तो आप इजीली ये ऐसे पेस्ट करके आप कुरियर कर सकते हैं या शिपमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपका गारमेंट स्टोर है तो उसके लिए बार कोड या लेबल या छोटे कुछ भी स्टिकर्स करने प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देने, तो वो भी आप ये प्रिंटर से आप इजीली उसे कर सकते हो। तो इस ये जो प्रिंटर है, इसका जो विड्थ है, जो मैक्सिमम विड्थ है वो 4 inches है। तो ये जो पेपर है 4x6 है, तो ये देख सकते हैं आप F2C का प्रिंटर है। और इसके एडवांटेज ये है कि ये ब्लूटूथ है। अगर आपको कंप्यूटर से प्रिंट नहीं करना, आपको मोबाइल फ़ोन से प्रिंट करना है, तो आप इजीली मोबाइल से कनेक्ट करके इसके प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको इस बॉक्स के अंदर आपको एक USB केबल भी मिलता है, तो इसके हेल्प से आप कंप्यूटर को कनेक्ट करके भी आप इसे प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसकी जो सपोर्ट की बात की जाए, तो ये Mac OS, Android OS, या फिर विंडोज़, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हर एक प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट होता है। तो आप इसके पीछे देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे एक USB पोर्ट है, यहाँ पे एक पावर अडेप्टर है, और ये ऑन ऑफ का बटन है। और ये इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, कितना स्लिम एंड स्लिक डिज़ाइन है। और मैं यहाँ से ये जो साइड बटन है, यहाँ से आप ये ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअली इसके अंदर पेपर कैसे इंसर्ट करते हैं, और कैसे इससे मोबाइल से कनेक्ट करके आप प्रिंट इजीली निकाल सकते हैं। तो ये बटन से आप ये पैनल ओपन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली थर्मल
डायरेक्ट प्रिंटर और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर में क्या फर्क होता है। ये जो है ये थर्मल डायरेक्ट है, ये अभी का जो मार्केट में सबसे अच्छा चलने वाला, लो कॉस्ट, सबसे हाई प्रिंटिंग स्पीड और कम आपको मिनिमल यूज़र इंटरवेंशन लगेगा कि आपको सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा रिबिन उसका एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली पेपर एडजस्ट करता है उसके हिसाब से। तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो है ये जो येलो पार्ट है ये मूवेबल येलो पार्ट है, तो जैसा आपके पेपर का विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे मूव कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास ये 4x6 जो यूजुअली शिपिंग लेबल्स के लिए यूज़ होते हैं प्रिंटर्स, तो मैं इसके अंदर आपको अटैच करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हेड है इसका, ये है थर्मल, एक्चुअली ये हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ये जो पेपर है अगर यहाँ पे आ गया तो ये हीट प्रोड्यूस करके आपको ऑटोमेटिकली प्रिंट करके देता है। और थर्मल ट्रांसफर में आपको रिबिन भी आपको साथ में लगानी होती है पेपर के, यहाँ पे ऊपर रिबिन और नीचे पेपर्स, तो इसमें एकदम मिनिमल सा सेटअप है, इजीली आप प्रिंटिंग आपका स्टार्ट कर सकते हो। तो देखते हैं, हम एक सैम्पल प्रिंट निकालेंगे इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अलग अलग शिपिंग लेबल्स, इनवॉइसेस, बार कोड, QR कोड्स आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। तो देख सकते हैं ये 4x6 का पेपर है, ये मैं इसे एक्चुअली एक्सटेंड करूंगा इसे, और ये यहाँ पे आप इसे इजीली इंसर्ट कर सकते हो। तो जो पेपर का जो डायरेक्शन है ये ऊपर रखना होगा आपको, और ये इसे एक्सपांड करके वो ऑटोमेटिकली जितना उसका साइज है उसके हिसाब से वो क्लोज भी हो जाता है। और तो आपको यहाँ से थोड़ा बाहर निकाल के ये फ्लैप आपको बंद कर देने का है, तो ऐसे आप पेपर एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो प्रिंटर है इसके साथ ये अडेप्टर आता है, पावर अडेप्टर, तो ईजीली आप इसे पावर कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे उसका पावर ऑन बटन है। तो ऑन होने के बाद यहाँ पे कुछ लाइट्स ब्लिंक हो जाएगी और ये जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये प्रिंटर स्टार्ट हो रहा है, अभी पेपर एडजस्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये प्रिंटर कैसे पेपर एडजस्ट कर रहा है। तो ये फीड बटन दबाने से आप पेपर बाहर भी निकाल सकते हो, आपको जो वेस्ट पेपर है वो आप इस यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। अभी मैं आपको एक सैम्पल प्रिंट निकाल के दिखाऊंगा, कौन सा भी प्रिंटर होगा आपको उसकी सैम्पल प्रिंट निकालनी है अगर वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के पहले। अब एक्चुअली ये प्रिंटर का क्या स्पेसिफिकेशन, इसका स्पीड कितना है, इसका ब्रांड कौन सा है, तो हर एक प्रिंटर का हम सैम्पल प्रिंट निकालते हैं तो उससे हमें सब कुछ पता होता है। तो सैम्पल प्रिंट निकालने के लिए आपको ये जो बटन है ऊपर का ये होल्ड करके रखना है और पावर ऑफ करना है और फिर से पावर ऑन करना है और ये होल्डिंग करके रखना है, तो यहाँ से एक सैम्पल प्रिंट आ जाएगी बाहर। तो वो आपके उस सैम्पल प्रिंट के ऊपर प्रिंटर का टेक्नोलॉजी, उसका स्पीड, उसका क्वालिटी, उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सब कुछ आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो सैम्पल प्रिंट है ये प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैम्पल प्रिंट के अंदर उन्होंने बता दिया है कि आप ये प्रिंटर QR कोड भी प्रिंट कर सकते हो, बार कोड भी प्रिंट कर सकते हैं, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि उसका जो वर्जन कौन सा है, प्रोडक्ट डेट कौन सा है, या ब्लूटूथ, अगर आपको ब्लूटूथ में मोबाइल के अंदर डिवाइसेस स्कैन करने तो उसका एक्चुअल नाम क्या है, तो ये T45 8D2F ये प्रिंटर का नाम है, तो ब्लूटूथ की लिस्ट में आपको आ जाएगा। उसके बाद सेंसर्स कौन सा है, इसका स्पीड कितना है, इसका जो स्पीड है ये 3 इंच पर सेकेंड, मतलब हाई स्पीड स्पीड है इसका, और इसका जो रोम साइज है वो 8 MB है, तो आप मल्टीपल प्रिंट्स भी बफर में स्टोर करके रख सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो प्रिंट करते रहेगा। तो देख सकते हैं कितना शार्पनेस है ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर, कितनी शार्पनेस है और कितने इजीली ये प्रिंट होके आया है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये मोबाइल प्रिंटर, ये जो थर्मल डायरेक्ट प्रिंटर है, ये कैसे आप ब्लूटूथ से एंड्रॉयड को कनेक्ट करके आप प्रिंट दे सकते हैं। तो अभी हम ये प्रिंटर ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और इसमें से हम एक सैम्पल लेबल प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल से मैंने प्रिंट किया और ये इतना फास्ट आ गया। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ पेजेस आपको कितने चाहिए, तो यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस आपका प्रिंट सिलेक्ट करते इजीली आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आता है ओपन लेबल,
वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इजीली आपको कौन से भी प्रिंट या कौन सा भी फॉर्मेट क्रिएट करना है क्यूआर कोड बार कोड का, वो आप क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से आप इजीली प्रिंट दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली इसका कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, और कितना फास्ट इसका प्रिंटिंग होता है। तो देख सकते हैं ये जो प्रिंट है, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो शार्पनेस है टेक्स्ट का, वो कितना अच्छा है। तो ऑलमोस्ट ये लास्ट राउंड रहेगा, शिपिंग लेबल्स में मोस्टली बहुत 7-1 दिन लगते हैं। तो ये आराम से मतलब इजीली इसके ऊपर से आपका टेस्ट खत्म नहीं होगा। तो देख सकते हैं इसका डेंसिटी, इसका स्पीड, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो प्रिंटर है एक्चुअली वो अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एप2सी थर्मल प्रिंटर 4 इंच रिसिप प्रिंटर। इसका जो प्राइस है ये अराउंड 8,000 रुपीज़ है इसका प्राइस। वो प्राइस वेरी होते रहता है अमेजोन के ऑफर्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको परचेज करना है ये प्रिंटर, आपका गारमेंट शॉप है, बिलिंग्स आपका गारमेंट शॉप है, रिटेल स्टोर है, या फिर आपका शिपिंग का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है जिसके लिए आपको इनवॉइसेस चाहिए या फिर लेबल्स चाहिए, तो इजीली आप ये प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो एप2सी टेक्नोलॉजी है, इनकी वेबसाइट पे या फिर अमेजोन के वेबसाइट्स पे आपको अलग अलग के प्रिंटर्स भी मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स मिलेंगे। अगर आपको बल्क में पेपर रोल्स वगैरह ऑर्डर करना है तो आप अमेजोन पे या एप2सी वेबसाइट पे जाके इजीली उसे ऑर्डर कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, अगर आप अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।